रांची में आया हूँ सेक्टर 10 में। यहाँ मेला स्टार्ट है 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। टाइम आई सबसे फास्ट काम चल रहा है द्वारका में, सबसे फास्ट काम मैक्स हॉस्पिटल सबसे बड़ा राउंड बना हुआ है। सबसे बड़ा राउंड देखो सरिया लग रहा है, सरिया भी है बांस भी है। बाकी यहाँ शो है, यहाँ शो में दूर दूर से कलाकार आते हैं और ये पूरा ग्राउंड स्क्रीनों से भरा होता है। जी मैं आया हूँ सेक्टर 10 में। यहाँ मेला स्टार्ट है 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। टाइमिंग है 5 से 12 और यहाँ तो मेला लग चुका है भाई, झूले लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ तो सारे भाई झूले आ ही चुके हैं ऑलरेडी। ओ भाई सबसे तो फास्ट काम चल रहा है द्वारका में भाई, सबसे तो फास्ट काम मैक्स हॉस्पिटल बिल्कुल अपोजिट साथ में ही है, उधर कोर्ट है। आपको यहाँ की अपडेट दे देता हूँ। तो भाई मेरे सबसे पहले यही ओपन होगा, सबसे पहला रावण जो यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। झूले रेडी होते भी दिखा देता हूँ, झूले कैसे रेडी होते हैं, काम कैसे कर रहे हैं भाई। ये देखो भाई झूलो, इतनी गर्मी हो रही तब भी काम कर रहे हैं भाई। कहते हो यहाँ भी स्टेज से और हो रहा है, दोनों जगह कंपटीशन होता है, दोनों जगह कंपटीशन। तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये भी। एक्चुअली क्या है, वो है गाड़ी पार्किंग का, गाड़ी अथॉरिटी है यहाँ पे, लोग गाड़ी वाड़ी सीखते हैं वैसे, वहाँ पे लाइसेंस वैसे बनते हैं ना, तो यहाँ पे लोग गाड़ी वाड़ी सीखते हैं। तो यहाँ पे ही ज़्यादातर लोग अपना मेला वेला हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया तो यही बनाते हैं। ये देखो ये बड़े वाला झूला बन रहा है, गोल वाला, हट जा हट जा। ये मेले की एंट्री बन रही है यहाँ से, यहाँ पे मेगा सिंपी। हाँ ये मेले, ये मेला है, ये अंदर जैसे रामलीला देखनी हो उसकी, यहाँ स्क्रीन लगी होती है बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा स्क्रीन लगाते हैं ताकि बंदा दूर से भी देख सके, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, भीड़ चल रहा है ताकि मैदान साफ हो जाए। जो रावण यहीं खड़ा होगा, ये देखो रावण यहाँ पे रेडी, ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सब कुछ रेडी है। दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे जाके मिट्टी संतल कर रहे हैं ताकि ठीक ठाक हो जाए बारिश होती ना। ये देखो मिट्टी कैसे हो रखी है, इसकी भी दो एंट्री है, ये एंट्री है एक वहाँ से एंट्री है, मेले की एंट्री वहाँ से कर देंगे, इसकी एंट्री यहाँ से कर देंगे, एक छोटी एंट्री वहाँ से भी है वैसे। चलो आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखो रावण, ये देखो मुंह सब ताज वाज सब कुछ बना के रेडी कर रखा है। जाओ भाई आप जाओ। ये देखो सबसे बड़ा रावण बना भाई, सबसे बड़ा रावण, ऐसे बड़ा रावण कोई नहीं है अभी तो पूरी दिल्ली में। कितने फीट का बना हुआ भाई, तो ये देखो भाई इतनी बड़ी छाती भी किसी रावण की नहीं होनी, किसी रावण की भी जो आपको द्वारका में मिलेगी यहाँ देखने को मिलेगी आपको ये रावण। इस रावण का फेस देखो, क्या फेस है भाई, वाइट फेस में टपचेक। 210 फीट का रावण बन रहा है, 210 फीट का रावण, और इसमें ये देखो सरिया लग रहा है, सरिया भी है बांस भी है, और देखो घर आई देखो अंदर तक। ओ भाई ये तो बहुत मजबूती वाला रावण है, ये देखो ना बांस भी लगी हुई है और ये सरिया भी लगे हुए हैं। अब ये गिरेगा कैसे मुझे समझ नहीं आया, रावण ज़्यादा गिरता भी है तो ये गिरेगा कैसे। ये देखो ना जो बनना है अभी, वो इतना बड़ा रावण, और स्टेज शो भी होता है यहाँ पे, दूर दूर से कलाकार आते हैं शो देख शो करने, और काम चल रहा है अभी। ये देखो यहाँ पर सारा सामान पड़ा हुआ है इनका, ये रहा जो सामान अभी लगना है इस पर, ये सारी रखे हुए, ये सारी इतनी सारी लकड़े रहे वो। जोर शोर से काम चल रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा रावण है भाई। ये पाइपों को समझ नहीं आया मुझे, इतनी बड़ी भाई
ये पाइपें क्यों लगाई हुई है। सब में पाइपें हैं भाई, लकड़ समेत पाइप है। आगे कुंकरण और मेघनाथ पड़े हुए हैं, वो दिखाता हूँ एक बार आपको। ये इसके जूते बन रहे हैं, देखो जूते भी, ओ तेरी, जूते भी भाई पाइपों से बने हुए हैं, अल्टीमेट। बनने के बाद और सुंदर लगेंगे ये, वाह भाई। ये तो बाजबल्ली से बन रहे हैं मेघनाथ और कुंकरण। हाँ ये बाजबल्ली से बन रहे हैं, बाकी इनके मुकुट वुकुट वो रखे हुए पैर वैर। ये छोटा है, ये छोटे बन रहे हैं ना, तो इसलिए इनको यहाँ बना रहे हैं। वो सबसे बड़ा बन रहा है, उसके लिए स्पेशल एक जगह रखी हुई है। अभी टेंट देखो, टेंट से भरा रखा है वो, कितना भार है, कोई जहाज से जा रहा होगा, जरा जहाज कोई ऊपर जहाज से भी जा रहा होगा ना, आराम से देख लेगा रावण को जलते हुए। ये रे कुंकरण और मेघनाथ, वहाँ दिखाता हूँ आपको एक बार क्या है वहाँ पे, मुकुट वुकुट की तैयारी क्या है। तो यहाँ भी अभी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे मेघनाथ और कुंकरण की कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ अभी रावण पे ज़्यादा फोकस रखा हुआ है। हाँ रावण पे ज़्यादा फोकस रखा हुआ है, बाकी यहाँ शो है। यहाँ शो में दूर दूर से कलाकार आते हैं, और ये पूरा ग्राउंड स्क्रीनों से भरा होता है, क्राउड से भरा होता है, पैर रखने जगह नहीं होती, और खाने पीने का इंतज़ाम वहाँ चार स्टॉल लगे होते हैं ऐसे, और यहाँ सारे झूले होते हैं जहाँ सब झूले आपको दिखे रहे हैं। झूलों का आइटम थोड़ा यहाँ पे कम होता है, फीका होता है, बट दशहरे का और ये रामलीला का देखने का सही होता है यहाँ पे, और वही 11 में होता है, 10 और 11 दोनों का अच्छा होता है। बट यहाँ का रावण बहुत बढ़िया बना हुआ है, आके ज़रूर देखना, अपने बच्चों को भी आके दिखाओ एक बार भाई, रावण कैसे बनते हैं, कैसे तैयारी होती है, कैसे तैयार होते हैं रावण। तो लोग मैं कुछ भी सर, तुम लोग को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। और भाई गर्मी बहुत हो रखी है, चलता हूँ घर पे। बाकी ये देख लो, जिसको आना है वो आ सकता है, सेक्टर 10 आके देख सकता है यहाँ पे रावण कैसे बनते हैं, और झूले यहाँ पे लगने को स्टार्ट हो रहे हैं। चलो भाई।